रास्ते में गाय आई थी, उसकी वजह से साइड का हैजार्ड टूट गया। वो कैसे हमारे ऊपर पानी गिर रहा है इस टाइम, ये समझ लो ऊपर पानी देख रहे हो आप, अल्टीमेट है भाई अल्टीमेट। देख रहे हो गाइस दोनों साइड, बीच में रोड है दोनों साइड पहाड़, और इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ, मतलब हम भी हिल से रहे हैं, और ये देखो इतना तगड़े कर रहे हैं और अब उतर नहीं। तो गाइस यहाँ से वो रास्ते स्टार्ट हैं, आपको कंडीशन देख के लग रहा होगा, हालत ये है रोड है ही नहीं। चलो 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 चलो, थैंक यू। एकदम ब्रेक मत मारो भाई, जैसे मैं बता रहा था पंचर हो गया, कील घुस गई है पूरी उसमें और हवा कम हो गई है, और तो रेडी हैं यहाँ से वापस दिल्ली के लिए। यहाँ हम रुके थे और पेट्रोल टैंक मैंने फिर से फुल कर दिया है, जेरिकन में जितना था डाल दिया, थोड़ा सा जेरिकन में रह गया, भाई निकल गए आगे, तो चलते चलते आपसे बात करते हैं। तो अब आपको यहाँ का व्यू नज़र आ रहा होगा, रात में तो मेरा कैमरा बंद हो गया था और अंधेरे में पहुँचे थे तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, और यहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी तो कमी है, और ये व्यू देख रहे हो आप अल्टीमेट है भाई अल्टीमेट। लोअर मस्टैंग, और इससे आइडिया लगाओ अपर मस्टैंग कितना होगा। देख रहे हो गाइस दोनों साइड, बीच में रोड है दोनों साइड पहाड़, और इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ, मतलब हम भी हिल से रहे हैं, और ये देखो कितना तगड़े कर रहे हैं, और अब उतर नहीं है तो इंजन तो बंद ही है, लेकिन इसे नोटिस करो है ना एकदम मस्त। बाड़ी बंद कर दी, 65 लग गई थी फिर भी बहुत तेज चल रही थी है ना, 65 लग गई थी यार। और हमने अराउंड कवर कर लिया है, अब 152 किलोमीटर रह गया, 170 किलोमीटर था तो 18 किलोमीटर के कभी कवर कर लिया है, और ये समझ लो अपनी एरोक्स की कीमत यहाँ होगी 4 लाख रुपए। इन्हीं रास्तों की बात कर रहा था, ये 25 किलोमीटर का पैच है जो ऐसी खड़ड़ खड़ड़ और ऊपर खाबड़ है, कह रहा था ये वाले रफ पहाड़ अब देखो आगे चल के वापस से ग्रीन नहीं आ जाएगी। तो भाई हमें कुछ बाइकर और मिल गए, रोका इन्होंने हमें। क्या ऑयल निकल रहा है, चैन लूप क्या है, चैन लूप क्या है। अच्छा आप लोग कल आ रहे थे ना इधर से, हम लोग का ये इसका वो प्रॉब्लम आ गया। क्या हो गया था आपका, क्या ब्लॉग मेरा पाल विष्णु ब्लॉग, इरा इरा पाल विष्णु ब्लॉग, ओके मेरा ओके ए भाई ओके ब्लॉग, ओके आई विल सर्च। कितने दिन हो गए आपको, हमें आज 5वां दिन है यहाँ नेपाल में, दिल्ली नेपाल में 5 दिन, दिल्ली से कितने दिन लगा, 2 दिन, 2 दिन हाँ, एक्चुअली बारिश हो गई थी नहीं तो एक दिन में ही आ जाते, तो हमें सीतापुर रुकना पड़ गया था। हम लोग का 5 दिन हो गया, आज 5वां दिन है। अच्छा दिल्ली से 5 दिन, 5वां दिन है, नहीं दिल्ली से 5वां दिन है, नहीं दिल्ली से, दिल्ली से 5 दिन हाँ। थैंक यू थैंक यू। अब नहीं है मतलब इनके भैया की तो जॉब है दिल्ली में, मेरी शॉप है बिजनेस है अपना, अलग टाइप का है, तो भाई ये नेपाल पुलिस का रिएक्शन है अपनी एरोक्स के ऊपर। राइडिंग भी करते हैं और एक्चुअल नेपाल पुलिस से हैं, 155 सीसी में है, 155। तो सब लोगों के स्टार्ट, अब अपने को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, KTM 90 390 दो हैं, एक एक्सपल्स है, एक पल्सर है, भाई साहब मज़ा आएगा आगे, और ये भी अब पोखरे ही रुकेंगे कह रहे, मतलब ये बिल्कुल इंडिया नेपाल बॉर्डर है ना उसके पास ही रहते हैं, नेपाल में ही नेपाली हैं सारे, अच्छे से हिंदी भी बोल ले रहे हैं, हमें समझ भी ले रहे हैं। ओके तो ये आ गया पुल, वाह। तो गाइस अब बड़ा मज़ा आ रहा है यार, एकदम रोड भी बढ़िया वाला आ गया है, दो बाइकर्स आगे चल रहे हैं, मैं मिडिल में, कुछ बाइकर पीछे चल रहे हैं, ये निकले अपने सौरभ भाई, सर ये गलत बात है यार, लेकिन हेलमेट नहीं लगा रखे पीछे वाले पिलेनों ने, क्योंकि यहाँ आगे होना कंपलसरी है, पीछे लगाओ मत लगाओ डजंट मैटर,
अपने सौरभ भाई और ये देख रहे हो गाइस रिएक्शन एक्सपल्स का, ये ओके व्लॉग्स भाई इनसे मिलकर बात करेंगे यार ढंग से। अगेन एक और पुल, अब आ गई है वाटर क्रॉसिंग, ये चलो चलो जूते नहीं भिगाने यार आज, कल भी भीग गए थे बहुत गंदे। सीन देखो भाई सीन, हाँ चलो चलो, हाँ हाँ जा रहा हूँ तो पैर ऊपर कर लेता हूँ मैं, क्योंकि भाई कल के जूते सूखे नहीं थे बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से सुखाए, होटल का ड्रायर मांग मांग के और वहीं से फिर सॉक्स लिए, दो जोड़ी सॉक्स लाया था अभी तक गीले कर दिए, इतने गंदे और गीले कीचड़ भर गई थी, हाँ निकल गए। तो भाई सेकंड वाटर क्रॉसिंग आ गई है, कल या परसों जब भी हमने क्रॉस की थी, कल की थी, तो भाई यहाँ पानी बहुत कम था और निकल गए थे। चलो भाई मैं निकालता हूँ सबसे पहले, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, निकल जाएगी निकल जाएगी निकल जाएगी, खालो, मारो, बहुत बढ़िया। तो अब निकाल के ला रहे हैं भाई सारे लोग KTM 390, निकल जाएगी, बस यहीं पे पैच थोड़ा टाइट सा है, बहुत बढ़िया, वो 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 आराम से आराम से। तो भाई निकालने के लिए इतने सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया, और ये निकल गई स्कॉर्पियो भाई साहब, कम ऑन, ओ वाह, हैवी प्रेशर में थे तो उड़ा देते। सब लोगों ने वाटर क्रॉसिंग अच्छे से क्रॉस कर दिया और मैं मिलवाता हूँ आपको सबसे, और यहाँ से ये थी वाटर क्रॉसिंग जो क्रॉस किए, मजा आ गया भाई, डेंजरस नहीं थी बट पानी का फ्लो लास्ट टाइम से बढ़िया हो गया था। और ये है हमारे ओके व्लॉग, ये है भैया जिनकी मैं बात कर रहा था, ये सारे लोग हैं, ये है नेपाल पुलिस में, नेपाल पुलिस में ना भाई, हाँ तो देख लो इनकी शक्ल एक भी लड़की भाव नहीं देता, ठीक है अब वहाँ पे चल रहे हैं ऊपर, यहाँ पर खड़े होकर ये न्यू पुल बन रहा है, कुछ दिन बाद ये वाली वाटर क्रॉसिंग एडवेंचर जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए खत्म हो जाएगी, तो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ पे चल के DSLR निकालते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं, ड्रोन तो है नहीं तो वहाँ कुछ फोटो निकालते हैं, उसके बाद चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज वाटरफॉल है जो यहाँ के वाटर क्रॉसिंग बन जा रहा है। चलो तो फटाफट से सब लोग ऊपर चलते हैं, हम आएंगे फोन पकड़ाएंगे तब आएंगे। रन सम राइडर म्यूट टोन इंडिया नेपाल राय, किसे बोलाओ रे, जैसे मैं बता रहा था वाटरफॉल के पास रुकना है, तो वो बड़ा सा वाटरफॉल अपने पीछे है,
और सारी बाइक्स खड़ी हो गई हैं, अब तो आपको दिखाई भी ना दे रही हूँ वहाँ पर। और चल रहे हैं ऊपर, वहाँ चल के कुछ वीडियो और फोटो खींचते हैं। DSLR निकाल लिया बाहर डिग्गी में से, फोटो खींचेंगे। और बाल बाल पे मत जाना, ये तो रोज की 8-10 घंटे की राइड करने के बाद ऐसे हो जाते हैं हेलमेट में। सारे लोग ऊपर जा रहे हैं, अब हमें टोटल 8 लोग, मजा आ रहा भाई। ओ भाई शेर शेर चीता वोरा 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 वो गया ऊपर, वो गया, हाँ हाँ ऊपर गया। तो गाइस हमने अभी अभी तेंदू आया, जीता है क्या कहेंगे, वो था वहाँ भगा, भाई ने भी देखा, देखा भी हाँ गॉड। अरे भाई बिल्कुल यहाँ पर सामने, मैंने और उन भाई ने देखा है? मैंने और उन भाई ने देखा बिल्कुल सामने, वो हमें देख रहा था हाँ। और हमें देखने के तुरंत बाद ऐसे भगा ऊपर को। यहाँ पे मतलब है जानवर, मतलब जानवर है भाई, कितने यार रीजन क्या है। यहाँ पे ना ऊपर वो है तुम्हारा गाय है ना, हाँ गाय की वजह से, और ये भी सब शायद जंगली है, बट इनका शिकार करने आया होगा ना वो। तो भाई देख के चलना ठीक है ना, नहीं होगा टेंशन लिया नहीं, नहीं डर नहीं है, वो तो बीच में तो इतना बड़ा रीजन, साल मार खा जाएंगे भाई सारे कहते रहे वो भाई, घोड़ खाया गया हमारे साथ उनकी फोटो निकाल लेते, वहाँ पर खड़े हैं भाई वो ओके व्लॉग वाले, उनकी DSLR से फोटो निकाल लेते, फोटो दिखाओ उनकी भाई, सू सू कर रहे हैं, इतना जूम कर दिया सब दिख गया, हो गया काम हो गया हो गया गाइस फोटो वीडियो। फटाफट से चलते हैं एरोक्स पे और एरोक्स पे मिलते हैं आपसे भाई। मजे मजे में ऊपर चले गए, अब सबके पैर देखो, सबके पैरों पे जोक चिपक गए और एक खून चूसते हैं ना, पाँच 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 थे भाई इनके जूते के अंदर, और दो ये थोड़ा गोरा है, गोरा आपका जो है ना ले गोरा है इसलिए। तो भाई हमने अपना जो ड्रोन छोड़ा था वो ले लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर फटाफट से, और जो बढ़िया सा रोड चल रहा था वो भी अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और आगे आने वाली है मस्त सी तगड़ी सी ऑफ रोडिंग। तो गाइस यहाँ से वो रास्ते स्टार्ट हैं, आपको कंडीशन देख के लग रहा होगा, और आगे जाके ये बिल्कुल कीचड़ काचड़ में बदल जाएगा। वो कैसे हमारे ऊपर पानी गिर रहा है इस टाइम, ये समझ लो ऊपर पहाड़ हैं और पहाड़ों में से पानी ही पानी निकल रहा है प्रॉपर। ओहो देखो यहाँ, मतलब ये कोई बारिश नहीं हो रही है, पहाड़ का पानी ऊपर गिर रहा है अपने, और आगे आगे देख के तो यहाँ काम चल रहा है आने वाले। पर लास्ट टाइम बस फंसी थी ना, बस और ट्रक बीच में फंसे थे, निकाल दी थी क्रेन ने, वो पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है, और क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा वाटरफॉल भी आकर गिर रहा है रोड पे ही, तो कीचड़ होती रहती है, मतलब वो पानी उसका इतना ज़्यादा प्रेशर से नीचे आ रहा है कि बहुत आगे तक पानी गिरता है उसका। इसी को कहते हैं एडवेंचर। वो देखो सामने नज़र आ रहा हो आपको वो वाला, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, दिखाता हूँ आगे आपके चल के वहाँ। बस अगर समझ लो वहाँ से निकल गए तो फिर कुछ नहीं है, मतलब निकल तो जाते ही हैं, निकल के आए हैं, निकल भी जाएंगे, मतलब वो बहुत टफ है, वो पार्ट बहुत ज़्यादा टफ है। चलो चलो सौरभ भाई खींचो, कम ऑन, अबे ले रहे हो, यस बेटे। जिस पैच की बात कर रहा था मैं वो पैच अब आ चुका है, और बस वो वहीं रुक गई है, पहले हम निकलेंगे तब वो बस, क्योंकि यहाँ इतनी जगह ही नहीं है, और रोड की हालत ये है, रोड है ही नहीं, इतना सा इतना नैरो है, और इसमें बाइक्स ही निकल जाएं सारी। तो भाई सबकी हालत टाइट है, क्या जावा, क्या KTM 390, क्या एक्स प्लस।
चलो भाई चलो 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 थैंक यू खींच के। अरे भाई थैंक यू यार, मोटिवेट तो कर रहे हो, लग भी रही है तगड़ी वाली। शाबाश, बहुत मोटिवेशन मिलती है भाई ऐसे लोग। और वो बस वाला जा रहा है ऐसे, हम तो टू व्हीलर हैं, इतनी गंदी कंडीशन में वो बस कैसे चला रहा है देख लो। देखो ये देखो, मतलब रोड का कहीं नामो निशान ही नहीं है, हर तरफ बस पानी मिट्टी कीचड़ यही सब है। तो भाई हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस तगड़ी सी मेहनत के लिए और अपनी एरोक्स के लिए। तो सब कंडीशन से निकलती हुई चली आ रही है, आराम से आराम से आराम से, एकदम ब्रेक मत मारो भाई। तो शायद वही वाला पैच आ गया है। हाँ आ गया आ गया आ गया है थोड़ा सा, तो बहुत आराम से चलना पड़ेगा इसमें। तो गाइस वो पैच और वो वाटरफॉल और वो एकदम खतरनाक वाला पैच अपनी पूरी 1200 किलोमीटर की राइड का ये है। और देखो साइड से पत्थर लगा, इतना बड़ा पत्थर ही है, साइड में इतने सारे पत्थर पड़े हैं, अच्छे लग रही है भाई, नीचे पत्थर लग रहे हैं रॉक्स में। इमोशन कंट्रोल करने पड़ेंगे अब भाई, फुल कढ़ाई पनीर बना हुआ है यहाँ, कड़ी बनी हुई है कड़ी। मैं सोच रहा हूँ मैं उस साइड निकाल लूँ, उधर थोड़ा मेरे को सही सा लग रहा है, तो मैं इस साइड निकालता हूँ, ये सब फंसे रहेंगे, ठीक है ना। हाँ देखो पल्सर फंस गई है और एरोक्स निकल गई है, केटीएम फंस गई है भाई, एरोक्स है ये, एरोक्स ये हर जगह से निकलेगी। थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए, कम ऑन। तो ये है जो वो वाटरफॉल जिसने पूरे रास्ते की वाट लगाई हुई है, और यहीं पर जाते टाइम एक बस और ट्रक फंसे हुए थे, इसको क्रेन ने निकाला था। और वो देखो केटीएम वहाँ पर, भाई की पल्सर निकल गई, और आ जाओ भाई आ जाओ, कम ऑन, ओके व्लॉग, एवरीथिंग इज ओके, यस यस। देख लो भाई केटीएम का ये हाल है, वेरी गुड, कोई बात नहीं आगे पानी में धुल जाएगा। चलो ये अपनी जावा और एक्सपल्स फंस गई है, वो थोड़ा भी नई राइडर है। वो थोड़े अभी प्रिपेयर नहीं है, नए राइडर है। हाँ हाँ चलो तो निकलते हैं फटाफट यहाँ इस एरिया से, यहाँ भाई मुंह तक पानी आ रहा है, पूरे रोड पे पानी आ रहा है इसका, रोड तो है ही नहीं बट पानी आ रहा है, ओ गॉड। अबे भाई सब गीले हो गए, मैं नहीं रुक रहा भाई, मैं निकाल देता हूँ आगे पहले, थोड़ा ज़्यादा ही खराब पैच है यहाँ पे, सूखे में रुकते हैं चल के वहाँ। तो भाई एरोक्स आई लव यू यार, उन्हें अपनी इज्जत बचा के रखी हुई है, पल्सर फंस गई है, हम निकल गए, एक्सप्लस फंस गई, हम निकल गए। वो कहते हैं ना गाड़ी कोई सी भी हो, थोड़ा चलाना भी कि तुम कैसे चला रहे हो वो भी मैटर करता है। तो यहाँ चढ़ा देते हैं और यहाँ साइड में रोक लेते हैं, क्योंकि रास्ता तो आगे का थोड़ा पैच ऐसा ही है। सारे लोग वहाँ रुक के मज़े ले रहे हैं,
और मैं ऐसी जगह से दूर ही रहता हूँ। ये तो भाई लोकल है, सौरभ भाई भी उनके चक्कर में वहीं रुक गए, बट मैं वहाँ से काफ़ी आगे निकल के यहाँ रुका हूँ आके। बिकॉज यार फिश देखो तो सही से कितना ह्यूज है और कितना तगड़ा है भाई। उसके बाद नीचे भी आ रहा है, कितनी तेज फ्लो है पानी का वहाँ देखो है। अपनी इमोशन के साथ यहाँ एंजॉय करते हैं यार। कंडीशन देखो यार, शिट नहीं देखा जाता मेरे से, बट लव यू यार, लव यू एलेक्स बहुत ज़्यादा। ये देखो एडवेंचर, और एडवेंचर होता हुआ और अपने पैरों की हालत कुछ नहीं है, समझ रहे हो ये हालत है, सब चलता है आपके लिए, सब चलता है। बस सेफ राइड करें और अपनी बाइक को खुद से ज़्यादा प्यार करें, तो ये आपको कभी रास्ते पर छोड़ने वाली नहीं है और कभी भी धोखा नहीं देने वाली। देख लो कितनी क्रिटिकल कंडीशन में मैं इस एरोक्स को लेकर आया हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस देख लो कितना सा है, तो हर चीज़ से प्रिपेयर होना चाहिए। दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा, हर चीज़ हो जाएगी। बस तरीके से चलना चाहिए, तरीके से रहना चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है इस डेंजरस रोड पे, इस मोस्ट डेंजरस एडवेंचर एक्टिविटी में। तो हिट लाइक फॉर मी, फॉर माई एरोक्स, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, और निकलते हैं फिर अब आगे। भाई चलते चलते भाई की पल्सर में हुआ पंचर, सडन करके निकल गई हवा, और ये इसमें ही चला रहे हैं अभी। अब देखते हैं आगे होगा कोई तो लगवाएंगे। जैसा मैं बता रहा था पंचर हो गया, कील घुस गई है पूरी उसमें और हवा कम हो गई है। और आप ये देखो कितना तेज फ्लो है यहाँ पर पानी का, क्योंकि हम काफ़ी नीचे आ गए हैं ऊपर से, तो सारा पानी नीचे आ रहा है और बहुत तेज फ्लो है, बहुत ही ज़्यादा तेज। कील है, कील है यहाँ पर। अरे टायर ही कट गया, तो यहाँ पर ये कील घुस गई बड़ी सी। कैसे करोगे अब? तो गाइस उनकी गाड़ी में पंचर हो गया, वो गए हैं पंचर लगवाने, जिस वजह से हमको यहाँ रुकना पड़ रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ पुलिस वाले लोग हैं उनका यहाँ पर एक बेस कैंप भी है, उन्होंने कहा आओ तुम्हें यहाँ की चाय पिलाते हैं। तो सारी गाड़ियाँ अपनी सब यहाँ खड़ी हैं बाइक्स, और अंदर वहाँ की उनके चाय टेस्ट करते चल के। देखो भाई कितना गर्म पानी है, ये लोग जूते धो रहे हैं यहाँ पर, पूरे अपने आप ही आ रहा है, मतलब कोई मशीन वशीन कुछ नहीं। स्टीम बात नहीं लेना, नहीं नहीं जूते दूंगा, जूते दूंगा मैं भी। और भाई देखो ये यहाँ पर पूल बना रखा उसी पानी का, ये भी पूरा गर्म है, शायद आपको इसमें ये भाप निकलता दिखाई दे रहा हो। अब देखो अब दिखेगा है ना। तो हम भी चल के वहाँ पर अपने जूते धो लेते इसी बहाने। तो भाई गर्म तो हो रहा है, चेक करते हैं अपने जूते धो लेते हैं यहाँ पे इसी बहाने, पानी का फ्लो है और भाप से आपको पता लग ही रहा होगा ये गर्म है। मैं डालता हूँ उसमें जूते। हाँ बहुत गर्म है भाई, मजाक समझ रहा था। तो अब मैंने राइडिंग गियर उतार दिया, मैंने अंदर इनर पहन रखा था, यहाँ आपने सूखने लग गया, तब तक चाय पीते चल के, फिर तब तक सूख जाएंगे जूते। भाई ये है यहाँ की चाय जो इनका बेस कैंप है, देखने में तो कुछ और लग रहा है, इसके बारे में भाई से पूछते हैं। ओके व्लॉग्स, तो भाई का चैनल है ओके व्लॉग्स ये है, तो भाई इसके बारे में बताओ क्या पिला रहे हो पहले बता दो। ये कुछ और लग रहा है, लेमन टी अच्छा, ग्रीन टी होता है उसका छोटा भाई। अच्छा भाई मेरे को कुछ और लग रहा था ना। चलो ठीक है ठीक है, भाई ने हमें लेमन टी ऑफर किया यहाँ पर, ये पूरा बेस्ट कैंपेन का। तो गाइस सडन लेमन टी पीते पीते मेरी नजर इधर गई, यहाँ कई सारे बाइकर्स आके रुके हुए हैं देखो, तो क्यों ना हम भी अपना, तो मैंने भी लगा दिया स्टिकर अपना, जीएस भाई का भी लग गया है। ऑल विष्णु व्लॉग, हर जगह अपनी इच्छा आप छोड़ते हुए। नेपाल के लोग क्रॉसिंग, और सौरभ भाई निकल गए बड़े आराम से।
जाओ भैया, मैं जाऊँ? चलो कोई बात नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये लो पैर ऊपर कर लिए, ऐसे तो जरूर आप भीग ही गए थे, मैंने निकाल के फेंक दिए, बार बार नए लेकर क्या फ़ायदा। तो बिना सॉक्स के चल रहे हैं, फटाफट से जूते सूख भी जाते हैं उस चक्कर में। और ये लो, ये टास्क भी कंप्लीट। यार क्या यार, एरोक्स ने दिल जीत लिया यार। अब देखो उनकी KTM भी निकल आई और भाई की पल्सर रह गई। मज़ा आ गया भाई, है ना, है ना, आ जाओ। तो भाई फाइनली यहाँ से ऑफ रोड बिल्कुल ख़त्म, और अब मिलेगी अपने को नॉन स्टॉप ऐसी रोड। तो अंधेरा तो हो गया है, सब लोग साथ हैं, बट अब आने आगे कोई दिक्कत नहीं है। पोखरे ही रुकते भाई, अब थोड़ा सा रह गया है। तो यहाँ से अब 60 किलोमीटर रह गया बस, लेकिन अब कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस अब नॉन स्टॉप ऐसी रोड मिलना है, बहुत बढ़िया सा। यही था जो था, ऑफ रोड, वाटर क्रॉसिंग जो भी था, यही था। अब यहाँ से अपना पोखरा हाईवे शुरू हो गया, तो ये ऐसी रहेगा रोड। तो फटाफट से इसको कवर करते हैं। तो भाई यहाँ तो चेकिंग चल रही है, फुल ऑन चेकिंग चेकिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया भाई, फाइनली कर दिया सब कवर, मजा आ गया, मजा आ गया। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ना ना, कोई टेंशन नहीं है अब। भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सबकी बाइकें भगेगी, अब ऐसी हाईवे है। फटाफट से कवर करते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली पोखरा पहुंच गया, बहुत डेडली कंडीशन हो गई थी।